हेलो, वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे डेटा डिक्शनरी डेटा टाइप की, राइट? डिक्शनरी डेटा टाइप की कि आपकी पाइथन में डिक्शनरी डेटा टाइप को हम डिस्कस करेंगे, राइट? तो चलते अपने स्लाइड्स की तरफ और देखते हैं उसको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी एक्चुअली हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये की वैल्यू पेयर होता है, राइट? की होती है ये, उसके साथ इसके वैल्यू होता है, ठीक है? की वैल्यू पेयर डिक्शनरी इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड होती है, चेंजेबल होती है एंड डो नॉट अलाउ डुप्लीकेट, राइट? कि एक ऑर्डर्ड फॉर्म में होती है। हम इसके ऑब्जेक्ट इसके जो आइटम्स को ऑर्डर्ड मतलब हम इसके आइटम को इंडेक्स कर थ्रू इंडेक्स हम इसको एक्सेस कर सकते हैं और हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। और ये डुप्लीकेट अलो नहीं करती, लाइक जिस तरह सेट में डुप्लीकेशन अलो नहीं होती, उस तरह डिक्शनरी में भी डुप्लीकेशन अलो नहीं होती। और ये डिक्शनरी कर्ली ब्रेसेस में आप बनाते हैं, राइट? की वैल्यू पेयर होता है, कर्ली ब्रेसेस में होती है, राइट? तो ये डिक्शनरी की थी, कुछ डेटा टाइप थी। देखते हैं हम लोग कि डिक्शनरी को कैसे बनाते हैं। तो ये डिक्शनरी है इजिकल टू कर्ली ब्रेसिस में ये आपकी की आ गई, राइट? ये आपकी की आ गई है, ठीक है? और ये डबल डॉलर की आपकी, ठीक है? डबल कॉलन, दिस वन डबल कॉलन, राइट? और ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है? अगर स्ट्रिंग होगी तो आपको कोटेशन में देना पड़ेगा, और अगर न्यूमेरिक होगी तो आपको विदाउट कोटेशन, जैसे हम न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं, राइट? तो चलते हैं हम अपने पाइथन की लैब की तरफ, और वन बाय वन जितने भी इसके मेथड्स हैं या फंक्शन है इसको हम डिस्कस करते हैं। हमने अपनी एक डायरेक्टरी बनाई हुई थी, हमने एक अपनी डायरेक्टरी बनाई हुई थी। कहाँ थी वो? सीडी पाइथन टेस्टिंग कोड डॉट, आपका वीएस स्टूडियो खुल जाएगा और इसी डायरेक्टरी में खुलेगा डॉट से, राइट? तो सबसे पहले हम देखते हैं एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, और इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। इसको हम अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करके देखते हैं, राइट? तो ये देखें, ये की वैल्यू के साथ आपकी डिक्शनरी प्रिंट होगी। ब्रांड है आपकी की, ठीक है? उसकी वैल्यू है HP, ईयर 2023, रैम 4 GB है, रैम 4 GB, और प्राइस आपकी 16,000 है, राइट? तो ये आपकी सिंपल एक डिक्शनरी आपने बना दी है की वैल्यूज। अब इसके आइटम को एक्सेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो ये देखें, प्रिंट डिक्शनरी ब्रैकेट्स में प्राइस, तो जो प्राइस है इसको आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? इसको आप प्रिंट करें, देखें प्राइस आपके पास क्या आ गई, 16,000 आ गए, राइट? 16,000 आपने प्राइस क्या एक्सेस की, 16,000। अगर आप इसको ये कर दें 18,000, तो प्राइस आप क्या करेंगे, 18,000 आपको एक्सेस होगी, राइट? और ऐसे ही आप इसकी गेट भी कर सकते हैं। गेट वैल्यू का एक फंक्शन होता है, ठीक है? डिक्शनरी डॉट गेट वैल्यू, आप इसमें ब्रांड ले लें या कुछ ले लें, हम ये देख लेते हैं, राइट? हमने क्या किया, प्रिंट किया एक्स में, हमने डिक्शनरी की एक वैल्यू ले ली डिक्शनरी डॉट गेट, उसका आइटम कौन सा गेट किया, ब्रांड, ठीक है? और इसको आप प्रिंट करें, प्रिंट एक्स, राइट? तो ब्रांड आपका क्या आ गया, HP। अगर ब्रांड की जगह आपने क्या लेना है, आप ईयर ले लें, ये राइट, केस सेंसिटिव है, याद रखना केस सेंसिटिव है, ईयर 2023 आ गया आपका, राइट? आप डायरेक्ट प्रिंट से
डिक्शनरी को ले सकते हैं उसके इंडेक्स के मतलब उसके की से भी प्राइस से, और आप इसकी वैल्यू भी गेट कर सकते हैं ब्रांड की, राइट। और उसके बाद आप ये देख लेते हैं कि डिक्शनरी की कीज़ कौन 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 सी आपके पास कीज़ हैं डिक्शनरी की, राइट। आप प्रिंट करें, राइट, डिक्शनरी की कीज़ एक्स इज इक्वल टू डिक्श डॉट कीज़। और इसके साथ आगे होता है डॉट वैल्यूज, तो आप इसकी वैल्यूज भी गेट कर सकते हैं, डिक्शनरी की भी वैल्यू कर ले सकते हैं, आप इसकी वैल्यूज भी गेट कर सकते हैं, राइट। देखिए डॉट के बाद जितने भी फंक्शन आपको नजर आएंगे, गेट आइटम्स, पॉप आइटम, पॉप है, अपडेट है, राइट, आप इसको कीज़ कर दें, आपके पास की आ जाएगी, राइट, तो आपके पास आप इसको की, आप इसकी की प्रिंट कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद कौन सा है आपकी, अब देखें आप ये करें, आप डिक्शनरी प्रिंट करें, ठीक है, और उसके बाद आप क्या करें, अपडेट करें डिक्शनरी को, राइट, और दोबारा डिक्शनरी को प्रिंट कर दें, राइट। इसकी आप देखें कि आउटपुट क्या आता है, ये देखिए आप एक कलर इज इक्वल टू ब्लैक, तो हमने एक आइटम डिक्शनरी में और ऐड कर दिया, राइट, ब्रांड, एक की वैल्यू कलर और ब्लैक, कलर है उसकी वैल्यू, कलर की आइटम है और उसकी वैल्यू ब्लैक है। तो अब जो आपकी डिक्शनरी प्रिंट हो रही है, ये देखें पहले ये थी, उसके बाद कलर ब्लैक, एक की वैल्यू हमने और प्रिंट कर डिक्शनरी में अपने डाल दी, तो आप इससे डिक्शनरी में अपनी एडिशन भी कर सकते हैं, कोई वैल्यूज आप डाल भी सकते हैं डिक्शनरी में, राइट। अच्छा डिक्शनरी के आइटम को भी आप देख सकते हैं, राइट, डिक्शनरी के आइटम्स आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से आइटम है, मैंने पहले भी आपको ये प्रिंट कमांड दिखाई थी आपको, वैल्यूज और आइटम देखें, ब्रांड HP है, ईयर 23 है, रैम 4GB और प्राइस ये है, राइट। अब डिक्शनरी के आइटम्स, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरीके से डिक्शनरी आइटम्स, राइट, और डिक्शनरी को आप अपडेट भी कर सकते हैं, प्रिंट डिक्शनरी कर दें, राइट, तो आप इसको प्रिंट कर दें, प्रिंट डिक्शनरी कर दें आप, राइट। तो आप क्या करें, एक्चुअली ये आपको वो इंडेंटेशन का प्रॉब्लम था, आप डिक्शनरी लगे, डिक्शनरी में ईयर 23 है, आपको 2020 कर दें और इसको प्रिंट कराएं, तो ये देखें आपका ईयर 2020 हो गया है, राइट, अपडेट के लिए। अगर इसको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ये कर दें आप, तो ये देखें जो वैल्यू अगर इसको मिल जाएगी, पहले हमने क्या किया, हमने ईयर किया इसको, ईयर इज इक्वल टू 2002, ईयर की वैल्यू, इसको की वैल्यू मिल गई, तो उसने क्या किया, उसको अपडेट कर दिया 2020 के साथ, राइट, 2020 के साथ उसने अपडेट कर दिया उसको। और फिर हमने क्या किया, ईयर वन की कोई इसको की वैल्यू नहीं मिली, की नहीं मिली, तो उसने क्या, उसको ऐड कर दिया, ईयर वन को ऐड कर दिया और उसकी वैल्यू सेट कर दी 2020, नॉर्मली 2023 रखी उसने, राइट, राइट। अगर उसको
की मिल जाती है तो वो उसको अपडेट कर देगा, अगर की नहीं मिली तो उसको एक ऐड कर देगा उसमें, राइट? अच्छा, आप डिक्शनरी को अपडेट भी कर सकते हैं, राइट? आप डिक्शनरी को अपडेट भी कर सकते हैं, 2030 करते हैं और प्रिंट डिक्शनरी करें आप, तो ये देखें 2000, ईयर तो केस सेंसिटिव है, तो ये देखें हमने अपडेट किया डिक्शनरी को, ईयर की वैल्यू 2030, तो इसने क्या किया हमारा ईयर 2030 को उसने अपडेट कर दिया, ठीक है? तो हम ऐसे अपडेट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, हम डिलीट डिक्शनरी किसी आइटम को, की को हम डिलीट भी कर सकते हैं, राइट? अगर हम ये करते हैं डिलीट प्राइस, तो क्या होगा, इससे आपका जो प्राइस है इसको डिलीट कर देगा वो, राइट? इससे पहले भी आप प्रिंट कर लें, दोनों डिक्शनरी प्रिंट करके आप देखें, इसको हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं, देखते हैं इसका रिज़ल्ट। ये देखें इसकी प्राइस 18,000 आ रही है, फिर हमने क्या किया, डिलीट प्राइस, प्राइस की आइटम को हमने डिलीट कर दिया डिक्शनरी से की वैल्यूज़ को, और उसके बाद डिक्शनरी को प्रिंट कराया, तो इसकी ये देखिए वैल्यूज़ आपकी डिलीट हो चुकी है, राइट? और आप ये कर सकते हैं कि आप लूप भी कर सकते हैं अपने डिक्शनरी में, आप अपने डिक्शनरी में लूप भी कर सकते हैं, राइट? प्रिंट एक्स, ये देखें ब्रांड ईयर रैम प्राइस, ठीक है? के फंक्शंस देख लें, पार्टीशन, ठीक है, राइट? तो आप डिक्शनरी में इटरेट भी कर सकते हैं, ब्रांड रैम और ये आ गया आपके, राइट? अच्छा, आप एक डिक्शनरी से एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी से दूसरी डिक्शनरी भी बना सकते हैं कॉपी मेथड, कॉपी मेथड के थ्रू, राइट? ठीक है, डिक्शनरी डॉट डिक्शनरी टू हमने बना रहे हैं डिक्शनरी वन से कॉपी करके, राइट? और यहाँ पे आप प्रिंट कर दें डिक्शनरी टू, राइट? इसको आप प्रिंट करें तो ये देखें सेम एज इट इज़ आपकी डिक्शनरी वन कॉपी होगी डिक्शनरी टू पर, राइट? तो आप डिक्शनरी को कॉपी भी कर सकते हैं, और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, पॉप आप रिमूव भी कर सकते हैं डिक्शनरी में से, डिक्शनरी डॉट डिक्शनरी वन डॉट पॉप, राइट? आइटम, और आप इसको डिक्शनरी को प्रिंट कराएं और यहाँ पे क्लियर करें, और इससे पहले भी हम प्रिंट करवा लेते हैं डिक्शनरी, ठीक है? तो लास्ट इंसर्टेड आइटम, लास्ट इंसर्ट क्या था, प्राइस था। अब एक काम और कर ले, प्राइस कंडीशन कर दे, राइट?
अब क्या पॉप होगा, कंडीशन पॉप होगा आपका, राइट। जो लास्ट इंसर्टेड है वो आइटम आपका पॉप हो जाता है। मगर आपने पॉप करना है कोई पर्टिकुलर आइटम, तो आप ये कर दें पॉप, पॉप प्राइस, राइट। डिक्शनरी डॉट तो आपकी प्राइस पॉप हो जाएगी, ठीक है। ये ब्रैकेट नहीं है, कर्ल स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, नॉर्मल ब्रैकेट है। राइट, आप देखें आपकी प्राइस पॉप हो जाएगी, आपकी प्राइस पॉप हो जाएगी। अगर आपने सिर्फ पॉप आइटम करना है, पॉप आइटम क्या होता है, आपको लास्ट इंसर्टेड आइटम पॉप करता है। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर आइटम या की आपको पॉप करनी है तो आप उसका नाम देंगे डिक्शनरी पॉप। तो इसमें फ़र्क क्या है, सिर्फ ये फ़र्क ये है कि जो आप पॉप करेंगे तो ये आपका पॉप है, ठीक है। पॉप आइटम लास्ट इंसर्टेड आइटम पॉप करता है, और ये आप कोई भी पर्टिकुलर आइटम को आप पॉप कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ डिक्शनरी के मुतल्लिक था आज का हमारा लेक्चर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।